नमस्कार, आप देख रहे हैं AN247 न्यूज राजस्थान। जमारामगढ़ में मनाई गई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जमारामगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कार्यक्रम की श्रृंखला में दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर ब्लॉक स्तरीय जयंती समारोह समिति के द्वारा साप्ताहिक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के प्रथम दिवस पर उपखंड मुख्यालय जमारामगढ़ में छात्र छात्राओं, अधिकारी कर्मचारी एवं आमजन द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को सहायक कलेक्टर विश्वामित्र मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपखंड अधिकारी प्रीशिशु IAS उत्साह चौधरी ने आमजन से गांधी के पद चिन्हों पर चढ़ने का आह्वान किया। तहसीलदार राजेंद्र मीणा ने गांधी के नमक असहयोगी आंदोलन को लेकर गांधी की दांडी यात्रा के बारे में जानकारी दी। सूरजमल बुनकर ने कार्यक्रम का संचालन किया। पंचायत समिति परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रीशिशु IAS उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी, सहायक कलेक्टर जमारामगढ़ विश्वामित्र मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, विकास अधिकारी गिरिराज मीणा, CBO सागरमल बुनकर, ACBO नादान सिंह गुर्जर, BEO शिवचरण मीणा, CDPO नरेश मीणा, नायब तहसीलदार अर्षिता मिड्डा, नायब तहसीलदार तनवीर सिंह, रीडर अशोक शर्मा, गोदाराम कुलदीप, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश राठी, कमलेश शर्मा, विश्राम गुर्जर, भुवनाराम मीणा, सूरजमल बुनकर, वरिष्ठ सहायक राजेश मीणा सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में द्वितीय दिवस को देशभक्ति गीत एवं गांधी भजन, तीसरे दिवस को नुक्कड़ नाटक एवं पारंपरिक खेलकूद, चतुर्थ दिवस को चित्रकला एवं पारंपरिक खेल, पांचवें दिवस पर निबंध लेखन प्रतियोगिता एवं पारंपरिक खेलकूद, छठे दिवस पर भाषण काव्य एवं कविता प्रतियोगिता एवं सातवें एवं अंतिम दिवस पर महापुरुषों पर आधारित रूप धरो प्रतियोगिता एवं सेमिनार समापन कार्यक्रम का आयोजन होगा। छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे AN247 न्यूज राजस्थान के साथ। इसी के साथ ओमी सैनी।